आप लोगों ने मुझे कभी देखा, कह रहा था तुम्हारे यहाँ से दुपट्टा ठीक नहीं है, तुम्हारी यहाँ से गला डीप है, क्योंकि आप लोग का तो, आप लोग तो मुझे देख रहे हो, आप लोग का दिमाग वहाँ पे जा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों जैसे हमेशा कहते हो कि आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे 1 लाख हो जाए और मैं अपनी बर्थडे का और इसको जो है साथ सेलिब्रेशन करूँ। तो मुझसे आज फिर से एक नैना मिलने आई है और नैना मुझे बहुत पसंद करी। थैंक यू सो मच नैना, आप आई, आप लोगों ने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच, आपका भी आप आई। और ये जब बच्चा ना मुझे बहुत क्यूट लग रहा है, जब से है ना इसने एक बात भी नहीं की है, हम इसको ना हमजा के साथ छोड़ेंगे 1 महीने के लिए, तो उसके बाद ना आपको बस आवाज सुनाई सुनने को मिलेगी। हमजा हमजा ये दोस्त बनो किसके? अभी मुझसे मिलने आए शादमान और शादमान की पूरी फैमिली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग मुझसे मिलने आए। मुझे सच में दिल से बहुत खुशी थी जब मुझसे कोई मिलने आता है। शादमान अपने चैनल का नाम बताएं। मेरे चैनल का नाम है शादमान पर्सनल लाइफ, आप लोग जाके देखिएगा, लाजमी विजिट कीजिएगा, ये बहुत अच्छे हैं। और मुझे ना इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे अपनी फैमिली से बात कर रही हूँ। और सच में आप सब मेरी फैमिली ही हो, अगर आप लोग मुझसे मिलने आते, मेरे टाइम निकालते, आप लोग गेस करें कि ये कौन है। अच्छा मैं आप लोग को बताती हूँ, आप लोग को नहीं पता होगा, ये वो है जिनकी हम ज्वेलरी अक्सर पहनते हैं, जो क्राउन सितारा ने पहना था, मैंने पहना था, तो ये हम लोग ज्वेलरी जो है हमेशा परचेज करते हैं, इनसे ही करते हैं। इनका जो इनकी बेटी तो देखे कितनी ज्यादा मशीनों से क्यूट है, इनकी एक इनकी भी साथ एक बेटी होगी, आपको दिखाती हूँ, तो स्माइल बड़ी प्यारी है सबकी। तो इनका चैनल, इनके चैनल का नाम है AR ज्वेलर्स के नाम से, तो आप लोग लाजमी जाके विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको ज्वेलरी जो है बहुत रिजनेबल प्राइस में और बहुत अच्छी आप लोगों को मिलेगी। वैसे मैं वहाँ से हमेशा लेती हूँ और मेरी बर्थडे आने वाली है तब भी मैं इन्हीं से परचेज करूँगी। थैंक यू। और मैं गट्टू भाई, गट्टू भाई देख रहा है फ्रूट्स को, फ्रूट्स को ये खाएगा और उसको सुकून आएगा। अच्छा अभी मैं जा रही हूँ, एक यूट्यूबर ने मुझसे बात की तो मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। और दिलबर सब, दिलबर और बाबर सब गए हैं फैसल मस्जिद, मैं जानबूझकर फैसल मस्जिद देंगे क्योंकि तीनों के व्लॉग्स बिल्कुल सेम हो रहे थे और एक जैसे व्लॉग कब तक इंसान को देखेगा, तभी मैं सोचा कि ना मैं अलग कर लूँगी और मैं कोशिश करूँगी मैं किसी मॉल में चली जाऊँ, वो आप लोग को दिखा सकूँ। सो अभी बगैर टाइम मिस किए चलते हैं वहाँ, अभी चल रहे हैं ऊबर पे क्योंकि हमारा जो है वो क्या कहते हैं उसको ऊपर रह गए, वो दे रहा है रूम की चाबियाँ। हाँ हाँ मेरे पास तो है, खुद तो तुमने कहा कॉल पे बात करो, एक तो इसका भूल है कि हमारे फिर कब पता होगी। यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ मैं, आई हूँ बहरिया टाउन में और हम लोग स्ट्रीट नंबर 21 में पहुँच चुके हैं, उनका घर यहीं पर है बट हमें अब घर नहीं मिल रहा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हुमैरा जी की तरफ और अभी इन दोनों के कपड़े देखे जरा, मेरे भी सेम ही हैं लेकिन इन दोनों के सेम है। अभी इन लोग बात कर रहे हैं पैनल डॉल और बार्बी डॉल की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी नैना की शोना शोना? नहीं नहीं सब होंगे। तो भाई ये इनसे मिली हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा ना, मुझे सोलमेट मिल चुकी है मेरी, बिल्कुल मेरी तरह। अगर कुछ टाइम के बाद मैं थोड़ी सी बड़ी होंगी तो मैंने बिल्कुल इनके जैसे हो जाना है। अच्छा तो ये मैं उन्हीं के घर ही थी और फिर मुझे एक वीडियो करी शादमान ने, तो मैंने वो वीडियो जो है इसके अंदर, उन्होंने मेरे लिए केक लेकर आया था बट उनको नहीं मिला, मैंने सबको बना के मेरे लिए कुछ भी मत लेकर आया करे, मत लेकर आया, फिर वो लोग नहीं ला सके तो उन लोगों ने वहां पे जाके वो केक कट किया, तो मुझे सच में बहुत खुशी हुई। और वो रही ये वीडियो, ये रही वो वीडियो। आपका नेम इसलिए लिखवाने क्योंकि हम लोग ही हमारे एरिया में हमें केक मिला, आपके साइट पर ना शॉप से सारी बेकरी वगैरह सब बंद था, इसलिए ना सॉरी के साथ ये वाला केक की मैं आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ, ये आपके लिए स्पेशल है। साइड बनाना पड़ा क्योंकि आपको मिला नहीं ना। Happy? Happy हो गया। तो अभी ये मजेदार सी चाय जो है ये मेरे लिए बनाकर आए अंकल, अंकल थैंक यू सो मच। और अभी हम सबके जो ड्रेस है वो सही, क्योंकि अभी हमारी मेरी जो है ना आज बर्थडे चल रही है 8 अगस्त को, लेकिन हम लोग पहले सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि फिर मैं यहाँ पर नहीं होंगी, फिर तो हुमैरा जी आएंगी वहाँ पे, है ना? बिल्कुल, तुमने मुझे इनवाइट, मैंने भी सबके सामने इनवाइट कर दिया, मैं और क्या करूँ। आप लोगों ने अब ये करना है कि अगर हम भूल जाए ना तो आप लोगों ने अब याद रखना है और आप लोगों ने सबने हमें याद करवा देना एक दिन।
क्यों कर दिया? किसे नाल प्यार पाके इंज नहीं सताई दा, जे ना निभानी होवे लारा नहीं ओ लाई दा। किसे नाल प्यार पाके इंज नहीं सताई दा। देखो मैं तुम खुश हो मुझे देख के। अच्छा शाहरुख को मेरी बर्थडे मुझे गिफ्ट करना पता है, वो भी बहुत बड़ा वाला। हाँ मुझे बहुत पसंद है तो मैं ऐसा लूंगी मेरी बर्थडे पे। इसने देखा बहुत बड़ा है, उम्र कितना है, हम लोग जब भी जाते हैं उसको। बस तो अभी हम लोग बस यहाँ से जाने के हैं, अभी घर और मुझे छोड़ने के लिए जा रही हूँ। मेरा जी थैंक यू सो मच, मैं इनसे मिली और पहली बार कहीं पर कहीं से जा रही हूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं ना जाऊँ। हाँ तो बस ये इसमें जो वैर है ना कमाया, वो शाहरुख ने कमाया। नहीं कोई बात नहीं, अभी शाहरुख भाई की शादी में हमने आना है ना, पक्का पक्का आना। बस रास्ते से हमने एक हमने नहीं बल्कि मेरा जी ने कहा कि हम यहाँ से जाते हुए खाएंगे आइसक्रीम, और ये आइसक्रीम जो मुझे आंटी बोल सकती हूँ। नहीं आप मुझे नहीं लगती ना आंटी। अच्छा नहीं आप मुझे हमारा जी लगती तो आपको हमारा जी बुलाती आप। अच्छा तो इसके बाद हम लोग घर आ चुके थे और फिर क्योंकि आंटी ना काफी ज्यादा बोल रही थी कि ना तुम मत जाओ, उनके पास उनकी बेटी नहीं है, तो मुझे ना ऐसा कहीं पे लग रहा था कि मैं कहीं कहीं इसके गलत ना कर लूं, और मैं तो मेरे अंदर गिल्ट रह जाता अगर मैं चली जाती, क्योंकि एक माँ होती है ना, मुझे पता नहीं मतलब मुझे बहुत फील होता है कि मतलब मुझे कि कोई माँ अपनी बेटी से अलग ना हो, और फिर उनके पास बेटी नहीं थी तो वो सब ऐसे थे ना, मतलब जैसे एक फैमिली में चले जाते हैं तो वैसे बिहेव कर रहे थे, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार, उन्होंने बहुत ज़्यादा कन्वेंस करा कि आप मत जाओ, और इतना मुझे लगता किसी ने नहीं कहा, और वो लोग मतलब मुझसे बड़े थे तो मैंने सोचा ठीक है आज के दिन रुक जाती है। तो फिर वो लोग मुझे छोड़ के गए, अब वो फिर सब मुझे लेने आए थे, और ये रही वही क्यों हम लोग टिकट को ना रिटर्न करवाने जा रहे हैं, कल के आगे करवाने जा रहे हैं। और अब्बू की अब्बू ना हुमैरा जी के बहुत बड़े फैन हैं, अब्बू जा रहे हैं उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए। अब्बू नींद में थे, अब्बू उठते नहीं आज उठ गए, चले आपको मिलवाती हूँ। भाई आपके फैन आए, मैं नींद में थे, नींद से उठ कर आए। अच्छा वो आपके साथ सेल्फी लेना चाह रहे हैं। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं बचपन से, और जो फिर उनकी एक्टिंग या उनकी अदाकारी या टिकटॉक जो कुछ भी करता है, आप तो बिल्कुल सेम लगती है ना। अच्छा मैंने एक वीडियो में देखा था आप लोगों की, वीडियो में गाने की कोई बात हो रही थी इनसे रिलेटेड, ये सुनते हैं बहुत। बस अभी आप ये समझ लें कि आपके डाई हार्ट फैन है, ठीक है। अब मैं नींद मैंने कहा आ रही अभी उठा, मैंने कहा अल्लाह खुश हो गया यहाँ से जाए गोली खा लीजिए विटामिन की, ठीक है अल्लाह। फिर शाहरुख जा रहा है टिकट को मूव करवाने और कैंसिल करवाने, और मेरी बात उसने इग्नोर करके चला गया। अच्छा तो हुमैरा जी घर से होकर हम लोग वापस यहाँ पर आ चुके हैं, और मुझे आप लोगों से आज एक बात करनी थी। हम हमेशा मतलब एक चीज को इग्नोर करते हैं ना तो फिर उनको जो है ना ज्यादा बढ़ावा मिल जाता है, ऐसा करना मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा सही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज गलत होती है कि आप लोग हर चीज को ना क्या कर लेट गो कर रहे हो। एक यूट्यूबर है, पहली बात तो मुझे उनको वो औरत नहीं लगती, क्योंकि अगर वो औरत होती ना तो वो किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना करती। उसने जो हरकत की है कि वो हमेशा मेरी वीडियोस में से, सारा की वीडियोस में से, शाहरुख की वीडियो क्लोज करके मुझे दिखाती है, और वो कुछ और दिखाना चाह रही होती है वो जो, और फिर ऊपर जो उसका कैप्शन होता है वो उसकी तरह घटिया होता है। असल में बाप से तरबियत की, हमारी फैमिली में हमें किसी ने ये तरबियत नहीं की कि आप, हमें यही सिखाया कि आप लड़की हो तो आपने आगे लड़की की इज्जत करनी है, और खासतौर मुझे तो इस बात पे होता है कि ना कोई और करता ना तब समझ में आता है, मतलब कोई लड़का करता ऐसे इसका, लेकिन जब कोई लड़की करती है ना ऐसे तो तब बहुत बुरा लगता है कि एक लड़की हो के। अभी वो पहले गेम्स थी सितारा के, अब सितारा के लिए वीडियो बना रही है, तो सितारा बाजी कह रही है मैं सब कुछ जानती हूँ आपको कि आप सिर्फ व्यूज के लिए हो और किस पे पल रहे हो सब पता है। इतना मुझे अफसोस होता है, इतना अफसोस होता है कि मतलब एक इंसान अगर अपना, मैं अपना काम करती हूँ, मैं किसी के बारे में कुछ भी, मैं कभी कुछ नहीं बोलती, तो फिर आप लोग मेरे बारे में क्यों, और मेरी ही पिक्चर लगा कर आप कहते हो ये लोग घटिया, और जितने तुम्हारे इस औरत के इतने घटिया कैप्शन होते हैं मतलब मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती, और फिर मेरी फैमिली देखती है, मेरा अब्बू देखता है, तो वो सब आ रहे होते सामने, तो वो इतना बुरा लगता है ना, मैं अपने अब्बू के सामने मतलब वो क्या सोचो, क्योंकि हम लोग की फैमिली में ना ये चीजें कोई इनहेंस करके नहीं देख रहा होता, लेकिन जब कोई आप जब इनहेंस करके ऊपर जो कैप्शन डाल के रखते हो वो इतना गलत लगता है, और ये आप लोग की सोच है
कि मैं चुप रहूंगी, मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूंगी, मैं क्यों चुप रहूं, मुझे किसी से कोई डर नहीं है सिवाय खुदा के, मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता, पहली बात। दूसरी बात कि जो मेरे साथ गलत करेगा उसको भुगतना पड़ेगा, मैं यकीन करूं लीगल नोटिस अब आप लोग के पास आएगा। और ये आप लोग अगर मजाक लग रहा है ये मैं सब, क्योंकि आप मुझे डिफेम कर रहे हो और आप लोग की वजह से ना मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रही हूँ। मैंने आप लोग इस औरत की वजह से मैंने पहले भी टैबलेट्स खाई थी, मुझे अब भी खानी पड़ी और मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रही हूँ। मैं बार बार इसके कम्युनिटी में देखती हूँ अपनी पिक्चर्स, और एक और भी है, इन दोनों को लीगल नोटिस जाएगा, क्योंकि मैं अपने आप के साथ खुद इतना गलत और मजीद नहीं कर सकती। जब मैं गलत नहीं हूँ मैं सब चीजें क्यों बर्दाश्त करूँ, क्यों ये लोग मेरी बार बार कम्युनिटी में लगा रहे हैं, इनको कौन सा हक है। पहले लोग थंबनेल पे लगाई मैं चुप रही, इतनी गलत अल्फाज इसने यूज किए मैं चुप रही, लेकिन अब मजीद बर्दाश्त करना तो खुद ऐसा है कि भाई हम लोग जैसे खुद गलत हो, तो फिर मैंने नहीं बर्दाश्त करना ये सब चीजें, खुदा करने वाला है माफ। लेकिन ना जब आप अपने लिए नहीं बोल सकते ना, मतलब आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस पहले अपने लिए स्टैंड खुद लोगे तब आपके लिए दूसरे लोग लेंगे। तो मैं अपने लिए स्टैंड खुद लूंगी इंशाल्लाह, और बहुत जल्दी आप लोग को दिखेगा सब कुछ। तो मुझे आप लोग बताइएगा कि सही कर रही हूँ कि नहीं, और आप लोगों ने पहली बार मुझे इतना गुस्से में देखा होगा। असल में ना ऐसा ही होना चाहिए, रो के दिखाना, वो लोग हंसते हैं वो खुश होते हैं कि हमने कहा वो देखो रो गई, ये हो गया वो हो गया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये तो हमारे कानून में है, ये हमारा राइट है कि हम उनसे ना इस बारे में, डी फेम का बहुत बहुत गंदा केस होता है जो वो मुझे कर रही है। तो मैं अब मजीद एक भी चीज बर्दाश्त नहीं करूंगी, सच में नहीं करूंगी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको मैं लीगल नोटिस भेजूंगी, दोनों को जाएगा। फर्स्ट तो जिसने जो मेरी बार बार मेरी कम्युनिटी पे लगा रही है ना, जिसके कैप्शन दे दी गलत, इसको तो मैं कभी भी जिंदगी में माफ नहीं करूंगी, क्योंकि इसने ना मुझे इसकी वजह से मैं बहुत बहुत गंद तरीके से डिप्रेशन में गई, मैं रात में मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई इसकी वजह से, सिर्फ इसका लगाना होता है। तुम एक औरत हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, इवन तुम खुद हो, तुम अगर एक औरत हो, तुम्हारे साथ मैं ऐसा करूं तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा। और मुझे तो उस ऑडियंस में ना मतलब बहुत ज्यादा वो हो रहता है, मतलब हैरान होती हूँ कि मतलब वो ऑडियंस से कुछ भी नहीं कहती, वो कहती है वेरी नाइस गुड, वो खुश होती है, क्योंकि वो लोग भी उस कैटेगरी के हैं जो ये चीज देखना पसंद करते हैं। और हमारी वीडियोज में हम लोगों को कुछ भी गलत नहीं कर दिया, क्योंकि आप लोग का दिल मैंने देखा है, आप लोग का दिल साफ है, आप लोगों ने मुझे कभी नहीं कहा कह रहा तुम्हारे यहाँ से दुपट्टा ठीक नहीं है, तुम्हारे यहाँ से गला डीप है, क्योंकि आप लोग का तो आप लोग तो मुझे देख रहे थे, आप लोग का दिमाग वहां पे जाता ही नहीं है, और जिनका और मेरा भी जाता, मेरी फैमिली का भी जाता, क्योंकि उनका दिमाग इतना घटिया है, वो लोग देख ही यही चीज रहे थे, वो ढूंढ यही चीज रहे थे, तो उनको वही चीज दिखती है और फिर वो लोग जाके कम्युनिटी पर लगाते हैं। खैर इंशाल्लाह 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 जरूर इनको मैं नोटिस भेजूंगी, क्योंकि गलत बर्दाश्त करना, जुल्म बर्दाश्त करना भी गुनाह है, ये तो हमारे मतलब इस्लाम में भी है। तो जरूर, और आप लोगों को मुझे लास्ट में बताना है। अच्छा, आज का व्लॉग जो है मैं यही पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।